नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार को भी आप सुरक्षित रख रहे होंगे। इस लॉकडाउन के अवसर पे, इस लॉकडाउन के मौके पर एक ही सलूशन है इस COVID-19 से बचने का कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें और किसी भी परिस्थिति में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकें। दोस्तों, ये हमारी तरफ से संदेश आपकी तरफ पहुंचा है। मुख्य मुद्दा क्या है जिसके लिए मैं आपसे बात करने आया हूं, उसके ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने दोस्तों FCI की तैयारी करी, आप में से बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन पाया, बहुत सारे लोग कुछ मार्जिन से रह गए, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में रह गए और कुछ लोगों की कह सकते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं आप में से जिनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, वे तो दुखी हैं और दुखी थोड़ा होना भी चाहिए कि आप मेहनत करते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा आपको परेशानी होती है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो नेक्स्ट ट्राई कर रहे होंगे वे लोग, या दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसको ग्रैब करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उनके पास में तो ऑप्शंस हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैसी ना कैसी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे जिससे कि उनका आगे का मार्ग खुल सके और सिलेक्शन की ओर वो बढ़ सके, एक टारगेट उनके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा। लेकिन उन लोगों के लिए क्या है जिनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन समय या परिस्थिति या लेट लतीफ़ी कह भी सकते हैं, अब तो COVID-19 आ गया है तो उसकी वजह से और काफ़ी समय लगेगा, तो उनका सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टेंशन में आ रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं कि सर हमारी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सब कुछ सिलेक्शन हो गया। कई लोगों, एक दो स्टूडेंट्स ने तो हमारे पास में कमेंट किया और कमेंट करके हमें यह भी बताया कि सर इससे तो अच्छा होता हमारा सिलेक्शन ही ना हुआ होता। मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं यहां पर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मित्रों, इस तरीके की निगेटिवनेस यदि अगर आपके मन में आती है तो कहीं ना कहीं आपको इससे बचने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि आपको इससे किसी भी तरीके से बचने की जरूरत है। अब मुख्य बात यह है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वे, ये सही बात है कि उनको उनके पास में तैयारी करने का कोई ना कोई अवसर है, वे कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही रहे होंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके लिए तैयारी करना बंद करना ये भारत के संविधान में लिखा है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक बार आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दोबारा आगे बढ़ने की तैयारी नहीं करेंगे? मैं केवल उन लोगों से प्रश्न कर रहा हूं जो निगेटिव एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को, लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, खुद को स्पॉइल कर रहे हैं और इससे दूसरे लोग भी प्रेरित या तो हो रहे हैं या वे दूसरे से प्रेरित हो रहे हैं, दो में से एक काम हो रहा है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, बेटा आपका सिलेक्शन हो गया है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, 6 महीने का समय लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 6 महीने बीत गए, आज आपका ज्वाइनिंग हो गया है। अब बताइए, आज से आपका ज्वाइनिंग हो गया है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप ऑफिस अटेंड करने वाले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, थोड़ा सा रौब दिखाने वाले हैं कि हमारा सिलेक्शन अब FCI में हो गया है, अब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया हूं, ये सब चीजें आप थोड़ा सा करने वाले हैं, डेफिनेटली ये है। लेकिन ये कितने दिन करेंगे आप, ये कितने दिन करेंगे? क्या आपकी लाइफ का अंतिम लक्ष्य, लास्ट जो आपका एम था, ये FCI ही था और FCI में बला बला पोस्ट जो भी आपने ली है वो था? इसके आगे कुछ नहीं है, खत्म दुनिया, प्रिपरेशन खत्म, आपने पूरा जग जीत लिया, खत्म हो गया काम, क्या नहीं ना? तो आपको अभी आगे चलना है, ये हो चुका, गया, बीत गया, हो गया, अब क्या होना है क्या नहीं होना है वो छोड़ दीजिए, आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में हो तो बताइए, आपके हाथ में क्या है? इस तरीके के प्रोसीजर जब होते हैं तो आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में होता है कि आप आंदोलन कर दो, सरकार को चिट्ठी लिख दो, किसी प्रकार के लोगों का यूनियन बनाओ और जल्दी से सिलेक्शन पाने का, तो ये सब करने का तो आपके पास कोई चांस है नहीं। प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आई हुई है कि आप उसमें ये सब चीजें तो कर नहीं सकते। तो पेशेंस लिए आप एक काम कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, सेल्फ मेडिटेट करिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट होइए और किसी जगह पर कोई ना कोई तैयारी करना शुरू करिए। इससे बढ़िया अवसर क्या मिलेगा? बड़ी शिद्दतों और मुद्दतों से ऐसे अवसर को, ऐसे दुष्अवसर को सुअवसर में बदलने का अवसर आता है, मौका मिलता है लोगों को, ठीक है? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप इतने मेहनती लोग हैं, मुझे तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मेरा आप लोगों को देख करके हाई होता था। जब आप लोगों को याद होगा शायद कि आप लोगों को FCI में करंट अफेयर्स पढ़ाया गया सुबह 4 बजे उठ करके, याद है?
सुबह 4 बजे उठ करके आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा है। आप लोगों से पूछा गया था कि क्या अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहेंगे, तो आपने कहा था यस, और कितने पोटेंशियल के साथ, कितने जील के साथ आपने ये बात कही थी। और आपको मालूम है कि आपके एक इतने सारे संदेश मिलने के तुरंत बाद अगले ही दिन हमने डिसाइड किया, मैंने ही आपको सुबह 4 बजे उठ करके करंट अफेयर्स पढ़ाया। अंकुर सर ने कहा मुझसे, मैंने कहा बिल्कुल बच्चे जो कह रहे हैं वो हम मानेंगे, और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पढ़ाने से ही सिलेक्शन हुआ, डेफिनेटली आपकी अपनी मेहनत से ही सिलेक्शन हुआ है, 1% भी कमी नहीं रही है आपकी तैयारी में, इसी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है और ये तैयारी करी आपने है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरीके से प्रेरित किया है, पॉजिटिव एनर्जी दी है और कुछ नहीं किया हमने, फिर भी आप कहीं 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 ना कहीं आप हमारा बहुत एहसान मानते हैं, तो मैं भी आपका तहे दिल से एहसान मानता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मित्रों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार की एनर्जी आप लोगों ने लगा रखी थी अपनी FCI की तैयारी को करने में, और क्योंकि अब आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है तो आप जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बूस्टअप करने आया हूं, फिर से उठाने आया हूं कि आप वही लोग हैं जिन्होंने मुझे 4 बजे उठाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है मुझे नींद, मैं अपनी नींद खराब नहीं करता, लेकिन आप लोगों की जो इच्छा शक्ति थी उसकी वजह से मैं सुबह 4 बजे उठा, वो भी आपको पढ़ाने के लिए। आपसे शायद कोई भी फीस चार्ज नहीं करी गई थी, सिर्फ आपको दिया गया था ये बच्चों का भविष्य बन जाए। बेटा हम लोगों के अंदर, मेरे अंदर और अंकुर सर के अंदर ये चीज अंतरात्मा में हम लोग बैठ करके चिंतन करते हैं कि कैसे बच्चों का सिलेक्शन करवाएं। कल को मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, लेकिन आज तो यही है कि हम आपको किसी भी तरीके से सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। ये मुरझाया हुआ सा जो चेहरा है, ये जो मुरझाए हुए से आपके शब्द हैं, डी कॉन्फिडेंस वाले जो डिमोटिवेशन वाले जो आपके थॉट्स आ जा रहे हैं, जो आप कभी कभी हमसे भी शेयर कर रहे हैं, इसको देख करके मुझे फिर से उसी तरीके से उत्साह आया है कि मैं आपको बताऊं कि जब आपने मुझे उठाया था तो मैं आज आपको उठाऊं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बाहर निकलिए, इससे मोटिवेट होइए और अपना समय ये सोच लीजिए कि FCI कहीं ऐसा तो नहीं है कि FCI कहीं आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि FCI जो है आपका डिले करता जा रहा है। चीजों को समझिए, सोचिए क्यों डिले हो रहा है, ऐसा फॉर्चुनेटली तो नहीं हो रहा होगा, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं हो रहा होगा, ऐसा फॉर्चुनेटली भाग्यवश ऐसा हो रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। आप इस पर गौर करिए, इसको समझिए, इसको ठानिए और तैयारी के लिए आगे बढ़िए। फिर से हम हैं, आप कहोगे सर हम 2 बजे उठ करके पढ़ाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति होगी तो जरूर पढ़ाएंगे, आप तो बस पास करके दिखाओ, आप तो बस मेहनत करके दिखाओ, आपको जो पढ़ना है मुझसे कहो, मेरे चैनल से कहो, सेलेक्शन मेंटर से, अंकुर सर से कहिए, मुझसे कहिए, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आपकी पढ़ाई के लिए जो कुछ किया जा सकता है बेटा वो करने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज्यादा हम आपसे क्या कहें, आपको हम इतना कहना, आप PSC की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जो छोटे लेवल की तैयारी करनी, मैंने देखा है जो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और गलत भावना नहीं है, सही भावना है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वे सोचते हैं पहले छोटी सी जॉब पालें फिर तो बड़ी जॉब पालेंगे। छोटी सी जॉब पा ली आपने, पाली, SSC की जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है, FCI की जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है, बैंक की जॉब कोई बड़ी जॉब नहीं है, FCI का जो एग्जाम लेवल था वो बैंक का ही था, आपको ही मालूम है IBPS ने उसको कंडक्ट कराया, कुछ अलग नहीं है। ये बैंक और SSC की जॉब कोई बहुत बड़ी जॉब है क्या? भारत में सबसे बड़ी जो जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन की अगर देखा जाए तो UPSC के थ्रू निकलने वाली IAS पोस्ट है और उसकी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप IAS नहीं बनिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे छोटी पोस्ट में चले जाइए और बढ़िए आगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि इस समय को आप, मालूम है आप ये जो 24 घंटे आपके पास है ना, आप इस प्रत्येक 24 घंटे को 48 आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास ये पावर इस समय है। इस समय मोबाइल लेकर के मत बैठिए, मोबाइल लीजिए तो पढ़ने के लिए लीजिए, ऐसे नहीं फालतू का समय नहीं व्यर्थ करिए। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो हम भी आपके साथ जुड़े हैं, आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हम आपको मोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। एक बार अंकुर सर के आप साथ खूब जुड़े हैं और खूब आगे जो है उन्होंने आपकी सहायता करी है, मैं आप सबसे कहता हूं कि एक बार आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तैयारी कोई टारगेट बाद में कर लीजिएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए चैनल पर आ जाइए यदि, अगर तो भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा जिसकी वजह से आपके पास पढ़ने की इच्छा जगेगी और तमाम सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को UPSC PSC की तैयारी कैसे करें, किन तरीके से तैयारी करी जा सकती है, कितना समय लगता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो काफ़ी
पास हो जाएगा पीएससी की तैयारी के लिए खासकर। तो जितने लोग आप में से पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। कॉन्टेक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें आकर के लिखिए यस आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर पीएससी। यस आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर पीएससी, ये करिए, ये आपके लिए बना हुआ है। पीएससी कहीं आपको ही तो नहीं बुला रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। आपका एफसीआई में सिलेक्शन हो चुका है, नो डाउट। अब आप उसको मुड़ करके मत देखिए, जिस दिन ज्वाइनिंग आएगी ज्वाइन हो जाइएगा। अभी ज्वाइनिंग आ भी गई होती तो कोई फायदा नहीं था आपका, आप रहते घर में ही। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब मैं आपको जाते जाते कल इतना बता देना चाहता हूं कि आप कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ। शाम को 7 बजे, डेली शाम को 7 बजे आप मेरे साथ जुड़िए। डेली शाम को 8:30 बजे, 8:30 PM एवरी डे एंड 7:30 PM एवरी डे आप मुझसे मेरे इसी चैनल पे कनेक्ट होइए। मैं आपके साथ निश्चित रूप से दिखाई दूंगा और जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, करा रहा हूं, उसको आप करिए। डेफिनेटली आपका उससे जीवन कहीं ना कहीं जो है वो मोटिवेट होगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, और अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझसे जो है नीचे लिखे गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9878238021, ठीक है, 9878238021। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आराम से आप बात कर सकते हैं। तो अपने आप को रीबूस्ट करिए, आइए हमारे साथ, जुटिए हमारे साथ, फिर से अपनी ताकत दिखाइए और कुछ बड़ा कर जाइए, कुछ बड़ा नाम कमाइए, थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ी और नेम प्लेट बड़ी करिए, थोड़ा और नंबर प्लेट बड़ा करिए, ठीक है। सो उम्मीद करेंगे कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर हुए होंगे। आशा करता हूं कि आप हमारे पास, हमारे चैनल पर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।